प्रिय दोस्तों, जय मसीह की। आइए परमेश्वर के वचन से कुछ बात करते हैं। न्यायियों और उसका 6 अध्याय और उसके 11 पद में इस प्रकार से लिखा है, फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओपरा में एबीएजरी योआस का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। यहां गिदोन का चरित्र बताया गया है कि वो एक कुंड में गेहूं को झाड़ रहा है अपने परिवार के लिए, अपने घराने के लिए। वो कुछ अनाज को इकट्ठा कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो एक डरा हुआ व्यक्ति है और वो जानता है कि मैदानी लोग आएंगे, और जो मैदानी है उनके डर के मारे कि वो सारी फसल को नाश करके चले जाएंगे। वो टिड्डियों के समान आते थे और सारी फसल को नाश करके चले जाते थे। इसलिए गिदोन ने सोचा कि मैं उससे पहले विनाश आए, उससे पहले कोई इस तरीके की बात हो, मैं इस अनाज को बचाकर अपने घर में ले जाऊंगा। और वहां पर परमेश्वर के एक दूत ने इनकी इस बातों को देखते हुए इस प्रकार से कहा, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। एक स्वर्गदूत ने कहा, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। अब इस वचन से अंदाजा लगाएं या सोचेगा कि क्या ये सूरवीर सूरमा है, क्या ये निडर व्यक्ति है? मुझे नहीं लगता कि निडर व्यक्ति है। ये डरपोक है, ये डरा हुआ है और ये दुश्मनों का सामना नहीं कर रहा है। ये जानते हैं कि यार वो दुश्मन लोग आएंगे, मैदानी लोग आएंगे, सब नाश करके चले जाएंगे। इस कारण से ये उनसे पहले डर के मारे कुंड में छुपकर अनाज को इकट्ठा कर रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन प्रियो एक निर्बल के लिए भी ताकत के रूप में आता है। ताकत के रूप में कैसे आया? हे सूरवीर सूरमा, एक डरपोक को किस प्रकार से कहा, हे सूरवीर सूरमा। परमेश्वर आज भी आपको भी, चाहे आप डरते हो, चाहे आप थरथराते हो, चाहे आपके घुटने कमजोर हो, चाहे आप किसी भी समस्या में क्यों ना अपने आप को कमजोरी फील कर रहे हो, पर परमेश्वर का वचन आपको कह रहा है, हे सूरवीर सूरमा, आपको बल दे रहा है, आपको ताकत के शब्द आपकी जिंदगी में, आपके कान में सुनाई देंगे। जब आप इस वीडियो को देखते हैं प्रियो, तो परमेश्वर दास होने के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं, हे सूरवीर सूरमा, विश्वास करें कि परमेश्वर के जो शब्द होते हैं, जो परमेश्वर की वाणी होती है, वो हमारे जीवन में ताकत को ले आती है। इसलिए लिखा है, उसने सीधी बात कही, यहोवा तेरे संग है। और इसका उत्तर देखना क्या है? इसने कहा, यदि यहोवा, हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, ऐसे बोला है, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह विपत्ति क्यों पड़ती। ये सूरवीर सूरमा, जिसको परमेश्वर सूरवीर सूरमा कह रहा है, ये डरपोक आदमी इस प्रकार से कह रहा है, अगर परमेश्वर हमारे संग होता तो क्या हम पर विपत्ति पड़ती। ये बात तो सच है, पर प्रियो आज परमेश्वर का दूत आपके पास आकर ये कहता है, आप सूरवीर सूरमा हो, आप ताकतवर हो अगर आप परमेश्वर के साथ हैं। और परमेश्वर आपको आज कुछ कह रहा है, इन वचनों के द्वारा आपको साहस दे रहा है, तो आप सूरवीर सूरमा हो, आप अपने आप को कमजोर ना समझे। इसलिए लिखा है, वो बताता कि कोई विपत्ति हम पर नहीं पड़ती अगर परमेश्वर हमारे संग होता। और उन्होंने कहा, और जितने आश्चर्य कर्म का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते हैं, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहां रहे? गिदोन कह रहा है इस बात को, अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मैदानियों को मैदानियों के हाथ में हमें कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इसराइली को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? परमेश्वर की ताकत यह है प्रियो, कहता है कि इसी शक्ति पर जा कि हमारे साथ यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। इसी शक्ति पर जा कि यहोवा मेरे संग है। इसी बात पर विश्वास कर कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ा नहीं है। इस बात पर विश्वास कर कि परमेश्वर मेरे साथ है। तो आप मैदानियों को ऐसे मारोगे, अपने दुश्मनों को ऐसे मारोगे कि आप एक मनुष्य को मार रहे हैं, हजारों लोगों में आप जीत जाएंगे, लाखों करोड़ों में आपको जीत मिल जाएगी प्रियो, जब आप परमेश्वर की वचनों को पाकर आगे बढ़ोगे। इसलिए इसने कहा, और परमेश्वर ने भी कहा, जो तू कह रहा है वो सच है, इसराइलियों को मिस्र से परमेश्वर ने छुड़ाया है, इसी शक्ति पर जा और परमेश्वर तेरे संग है और तू इसराइलियों को मिदानियों को मार देगा।
यह सच्चाई है प्रियो। अगर आप कमजोर हैं तो यीशु मसीह का वचन आज आपसे कह रहा है कि आप सूरवीर सूरमा है, आप कमजोर नहीं है, आप ताकतवर हैं और आप उसके वचन को पाकर आगे बढ़े और प्रभु आपकी सहायता करेगा। मैं परमेश्वर दास आपको आशीष देता हूं, आपको परमेश्वर के वचन से हिम्मत देता हूं, ढांढस बांधो, उठ खड़े हो जाओ, छुप कर काम करने की जरूरत नहीं है, खुले में आ जाओ और परमेश्वर आपके संग है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दी।